अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, दिस इज मलिक अहमद और आपको अपनी इस नई वीडियो में वेलकम करता हूं। तो भाइयों, आज हम बात करेंगे ओप्पो के एक ऐसे मोबाइल की जो किसी कैमरे या DSLR से कम नहीं। तो जी हां दोस्तों, ओप्पो ने रिसेंटली एक ऐसा मोबाइल लॉन्च किया है जिसकी स्पेसिफिकेशन मैं आज आपको बताऊंगा और वो आपकी प्राइस रेंज को मैच करने वाला है। आपने इसे मस्ट ट्राई करना है और बताना है कमेंट सेक्शन में कि आपको ये कैसा लगा। दोस्तों देखा जाए ओप्पो का तो पूरी मार्केट में कंपटीशन चल रहा है और हाई से हाई मोबाइल के साथ इसका कंपटीशन चल रहा है, लेकिन ओप्पो ने भी अपने किसी मोबाइल में कोई कमी भी नहीं रखी, क्योंकि ओप्पो ने अब जो मोबाइल निकाला है इसका कंपेयर DSLR से किया जाता है। आपको इसकी स्पेसिफिकेशन बताऊंगा, आपने इसको चेक करना है लाजिम। ये एक ओप्पो का लेटेस्ट वेरियंट है, इसमें एंड्रॉयड 13 को डाला गया है। अगर बात करें इसके कैमरा सेटअप की तो भाई क्या बात है, क्योंकि इसके कैमरास DSLR से कम नहीं, क्योंकि इसकी शेप ही ऐसी है कि आप DSLR को भी भूल जाएंगे। अगर इसके बैक कैमरा की बात करें तो बैक कैमरा इसका 50 मेगापिक्सल का है, जो कि एक अल्ट्रा वाइड जो कि 4K तक वीडियो शूट करने वाला है और फोटो भी आपकी क्लियर खींचेगा। अगर इसका फ्रंट कैमरा देखा जाए तो वो 32 मेगापिक्सल का है, वो भी बहुत अच्छा कैमरा है और वो भी 4K तक की वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। अगर बात की जाए इसकी स्पीड की तो इसमें उन्होंने ऑक्टा कोर का प्रोसेसर डाला है और स्नैपड्रैगन 8 जेन 2 का इसमें प्रोसेसर है और इसमें 120 हर्ट्ज का इसमें रिफ्रेश रेट है, जो कि आपके मोबाइल को हैंग नहीं होने देगा। और सबसे बड़ी बात जो है इसका वो चार्जर है, इसमें उन्होंने 5000 mAh के इसमें बैटरी डाले है जो बहुत ही लॉन्ग लाइफ चलने वाली है, और इसका जो चार्जर है वो 100 वाट का इसमें चार्जर डाला गया, वो भी सुपर वो जो आपके मोबाइल को 35 मिनट्स में फुल 100% चार्ज कर देगा। अगर इसकी प्रोटेक्शन की बात की जाए तो इसका फ्रंट गिलास है जो कि गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन है, और इसका बैक भी गिलास है जो कि गोरिल्ला ग्लास 5 के साथ इसका बैक आता है, और इसका जो फ्रेम है वो प्लास्टिक का है। बाकी इसमें नीचे वाली साइड पे इसमें एक हेडफोन जैक है और एक टाइप सी केबल मिलेगी आपको, एक माइक मिलेगा। ऊपर वाली साइड पे आपको वॉइस कैंसिलेशन माइक मिलेगा, अगर आप किसी शोर में खड़े होकर भी बात करते हैं तो आपकी वॉइस क्लियर जाएगी। अगर इसकी नेटवर्क स्पीड की बात की जाए तो ये 5G बैंड में आता है। अगर इसके सेंसर की बात की जाए तो इसमें जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो इसके इनबिल्ट है, यानी कि LED के दरमियान में है, और इसमें जो LED उन्होंने डाली है वो AMOLED डिस्प्ले है, यानी कि उसमें 1 बिलियन कलर तक आप देख सकते हैं। इसमें आपको डुअल सिम मिलेगी और इसमें आपको ये सिर्फ 2 ही कलर में आपको मिलेगा। इसमें मेमोरी कार्ड का सपोर्ट नहीं है। अगर इसकी रैम और रोम के बारे में बात की जाए तो इसमें 12 GB रैम और 16 GB रैम आती है, और रोम की बात की जाए तो 512 GB रोम और 256 GB मेमोरी में ये आता है। गाइस, मुझे तो ये मोबाइल बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि इसके फीचर बहुत ही अच्छे हैं। मेन देखा जाता है मोबाइल में कैमरा और LED या इसकी बैटरी, जो कि बहुत ही कमाल की चीज़ें हैं, वो इसमें डाली गई हैं। बाकी आप ही बताएंगे कि आपको ये मोबाइल कैसा लगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक भी करते जाइए और मुझे फॉलो भी कर दीजिए।